सीन में क्या चल रहा था? वेल, काफ़ी कुछ हो रहा है अमर्त्य और बबल्स की ज़िंदगी में, और वो जानना चाह रहे हैं कि रजनी की असलियत क्या है, क्योंकि अमर्त्य जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है इस समय, और वो पता करना चाह रहा है कि रजनी के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या राज है। तो इसलिए वो आए हैं, आई थिंक रजनी से मिलने, उसकी ऐसा लग रहा है जैसे उसकी तबीयत शायद ख़राब है या जो भी है, तो उससे मिलने आए हैं पता करने के लिए क्या हुआ, क्योंकि बबल्स और अमर्त्य ने कुछ ऐसा किया था पता कराने के लिए कि रजनी नॉर्मल इंसान है नहीं है, क्या है उसके, उसका राज क्या है। तो सडनली उन्होंने जो पैंतरा फेंका था उसका अब कुछ नतीजा निकला है, और लेकिन अमर्त्य को समझ नहीं आ रहा कि ये नतीजा तो मैंने सोचा नहीं था। तो अब वो पता करने की कोशिश कर रहा है और उसी के लिए यहाँ आया है, तो कन्फ्यूज़ है वो इस समय। तो वही है, तो उसकी ऐसा हमको लग रहा है जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, तो इसलिए पहले ये सोच रहा था कि हमने जो पैंतरा आजमाया उससे उसकी तबीयत ख़राब हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। तो लेकिन अब तबीयत ख़राब होगी, तो अब कंफ्यूज हो गया है वो। तो उस समय क्योंकि उसकी वो क्या कहते हैं दवाइयों को लेकर चलता है, इसलिए शान पूछ भी लेता है आप ही दवाई दे दो, तो ये थोड़ा सा शक पका जाता है, बोलता है कि भाई हाँ हाँ मैं दे देता हूँ दवाई, कुछ ढूंढ के ले आऊँगा, दे दूँगा कुछ ना कुछ दे दूँगा। तो ये ओवरऑल अभी इस समय अमर्त्य बहुत कन्फ्यूज़ है, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है इसकी ज़िंदगी में और इसके अराउंड, क्योंकि इसको एट दी एंड ऑफ द डे अमर्त्य को जो झटके लगते हैं इलेक्ट्रिक करंट के और मशीन से, तो उससे वो दूर रहना चाहता है। तो कोई भी चीज़ जिससे उसको झटका लगता है उससे दूर रहना चाहता है, उसे समझने की कोशिश करना चाहता है, और वो रजनी को समझने की कोशिश कर रहा है। बंगाली एक्चुअली इसकी कहानी है कि जब मैं इसकी क्या बोलते हैं इसकी ऑडिशन देने गया था, तो मुझे कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट देखी मैंने कहा ये तो पूरा बंगाली एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा इसके लिए, और मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दी, उन्होंने कहा आप कोशिश कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। और क्योंकि मेरे कई बंगाली दोस्त रह चुके हैं और मैं नोटिस कर चुका हूँ कि किस तरह मोस्ट बंगालीज की एक बहुत स्वीट तरीके की बात करने की तरीका होता है, तो शायद हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मैंने उनको नोटिस किया हुआ है, नोट किया हुआ है कि कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं। जैसे अगर बेसिक अगर बोलना है नमस्कार किमोना छो, तो हम नॉर्मली हिंदी में अगर बोलेंगे नमस्कार कैसे हैं आप, यू नो, लेकिन उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा मिठास होती है, तो वो कैसे हैं आप, हल्का सा मिठास होती है एक्स्ट्रा, तो उतना ही बोलने से आई फेल्ट के जो फ्लेवर बंगाली फ्लेवर है वो आ जाता है, और वो फ्लेवर बहुत कमाल का फ्लेवर है, क्योंकि बहुत मीठे लोग होते हैं, शायद मुझे लगता है रसगुल्ला खाने की वजह से होते होंगे। आने वाला ट्विस्ट तो यही है कि बेसिकली अमर्त्य ट्विस्ट हो गया है, उसका दिमाग ट्विस्ट हो गया है, और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने दिमाग को सीधा कैसे करे, वो ट्विस्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो रजनी का राज पता कर पाएगा, वो ट्विस्ट है। ओके
पहुंच गया। हाँ देख ये क्या है? ची तेरा लीवर है, तो खाने पीने को ऐसा सिकुड़ जाएगा। फिर चटनी खिलाने वाला है? पहले चटनी वाला लो, फिर लीवर वाला। हाँ हाँ, वैसे ये निकाला, ग्रीन ग्रीन टपक रहा है। पहले आप निकाल। ये वहां से आओ, पहले हम दोनों यहाँ देखे मजा आए। हाँ एक सेकंड, तो मेरा फेस डोंट वरी, जब मैं वो ये जो डायलॉग होगा ना, तो मेरा मुंह ऐसा है। मैंने आपके सारे कमांड्स फॉलो किए हैं, यहां तक कि 1 मीटर रेडियस